लेकिन चलिए अब हम फोकस करते हैं वापस एक बार कमोडिटी मार्केट पर, और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के किशोर नाने जुड़ चुके हैं। किशोर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपको बताएं कि आज बजट पर सहमति न बन पाने की वजह से अमेरिका में सभी सरकारी विभागों को बंद करने का फरमान जारी हो गया है। व्हाइट हाउस ने साफ तौर पर कह दिया है कि आज रात से ही बंद की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। बजट पर फैसला न होने की वजह से 17 साल में पहली बार अमेरिका में सरकारी विभाग बंद होने जा रहे हैं। अमेरिका में सिर्फ आपात सेवाएं ही बहाल रहेंगी। पूरे देश में बिना वेतन के 7 लाख लोग छुट्टी पर भेजे जाएंगे। अमेरिका में इस फैसले का कमोडिटी बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चा तेल, सोना और चांदी अगर आप देखें तो दबाव में है, लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि वहां डॉलर वीक हुआ है इसके चलते तो हमारे रुपए में एक मजबूती का दौर शुरू हो गया है। कल 60 to 60 पर हमने क्लोजिंग दी थी, आज शुरुआत हमने मजबूती के साथ ही की थी और अभी भी अगर आप देखें तो हम 60 to 38 पर इनफैक्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो पर रुपए में फिर से एक बार मजबूती देखने को मिले, लेकिन कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट्स में दबाव पर है और सोना और चांदी में भी अगर आप देखें तो फिलहाल आपको नेगेटिव ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। ऑल्दो हमारे बाजारों में 30,000 के ऊपर हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, एक्चुअली अब एकदम से फ्लैटिश रुझान, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा पॉजिटिव। किशोर, सबसे पहले नजर कच्चे तेल पर ही डालेंगे। आज अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आंकड़े आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने कहा है कि सरकारी कामकाज बंद होने की वजह से इन्वेंट्री डेटा वो शायद नहीं दे पाएंगे, कुछ तय नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। बेशक इस तरह के कदम के बाद क्रूड की मांग में कमी आ सकती है, साथ ही बाजार को दिशा देने वाले आंकड़ों पर भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। किस तरह से देख रहे हैं आप क्रूड की चाल को इस पूरे हफ्ते के लिए? फिर गुड मॉर्निंग इश्लिन, आई थिंक यहाँ पे ये जो हालात है यूएस का, काफ़ी हद तक मार्केट्स को नर्वस करते जा रहे हैं और ख़ास करके क्रूड ऑयल में स्पेशली डिमांड साइड फैक्टर थोड़ा बहुत है, बट जैसा मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्राइव नहीं करेंगे बिकॉज उसका ऑफिस नहीं जाना होता है, सो आई थिंक मोर लेस थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में डिमांड प्रेशर है। बट अगर असल में देखा जाएगा तो ओवरऑल क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है फंडामेंटली वीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मिडल ईस्टर्न टेंशन। जैसे जैसे सीरिया ईरान का जो टेंशन से फिजल होता जा रहा है, पहली बार अभी ओबामा ने ईरानियन प्राइम मिनिस्टर से बात किया टेलीफोन पे, काफ़ी हद तक टेंशंस हल्का होते जा रहे हैं मिडल ईस्ट में। दैट इज़ वन ऑफ द मोर प्राइमरी फैक्टर फॉर बेरिशनेस इन क्रूड। तो मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट शटडाउन होना है वो तो बहुत ही शॉर्ट टर्म का फैक्टर मैं समझता हूँ, और बिकॉज फंडामेंटली क्रूड में वैसा ही मंदी है तो फिलहाल के लिए वो मंदी कंटिन्यू होता जाएगा। मेरे हिसाब से 6,340-6,350 का अगर आसपास का टारगेट के लिए इसमें मंदी का सौदा कर सकते हैं। ओके, ये आपने इंट्राडे टारगेट दिया है किशोर? यस, आई थिंक काफी तक आज और कल का एक दो दिन का हिसाब से मैंने टारगेट दिया है, 6,480 का स्टॉप लॉस रहेगा और थोड़ा सा आई थिंक 100 से 150 रुपए के आसपास का डाउनसाइड दिखता है। ओके, बिकवाली की सलाह आपको कच्चे तेल में दे रहे, फंडामेंटल्स डाउन साइड ही यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। लेंगे फिलहाल एक ब्रेक, आगे नजर होगी सोने चांदी पर और साथ ही बेस मेटल्स पर। सोने और चांदी में अगर आप देखें घरेलू मार्केट्स में ऑफकोर्स दबाव यहाँ पर पड़ रहा है। आपको बताया कि पिछली तिमाही में सोना करीब 8% की तेजी दिखा चुका है, लेकिन सितंबर के दौरान अमेरिका में सोने के सिक्कों में करीब 81% की भारी गिरावट आई है। आज रुपए की मजबूती का यहाँ फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखें डोमेस्टिक मार्केट में 30,000 के इर्द गिर्द ही सोना घूम रहा है और इनफैक्ट ये रुझान आई थिंक पिछले एक हफ्ते से है। किशोर, जिस तरह का एक थोड़ा सा सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, सोने का ट्रेंड किस तरह से रह सकता है इस हफ्ते? एक्चुअली आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट्स में देखा जाएगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये रेंज बाउंडनेस थोड़े दिन और कंटिन्यू हो सकता है, अगले जब तक अगले नॉन फार्म पेरोल का जो रिपोर्ट आएगा अक्टूबर 1st वीक का, जब तक ये फ्राइडे तक इसमें एटलीस्ट ये कंटिन्यू रहेगा बिकॉज यहाँ पे मेजर डायरेक्शनल मूवमेंट आपको नॉन फॉर्म पेरोल का जो नंबर आएगा उस हिसाब से ही डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे दो चीज़ें, वन इज अगर मोस्टली गोल्ड का जो डायरेक्शन डिपेंडेंट रहेगा कि फेड कभी तक ये जो मनी प्रिंटिंग का जो एक्सरसाइज है वो चालू रखेगा, दैट इज द वन एंड ओनली फैक्टर विच गोइंग टू ड्राइव गोल्ड प्राइसेस।
यहाँ पे जो ये जो गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है उसका ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज वहां पे अगर हल्का सा डॉलर नेगेटिव हो जाता है तो, और हल्का सा डॉलर वैल्यू में अगर गोल्ड बढ़ जाता है तो भी हमें डोमेस्टिक मार्केट्स में रुपी के अप्रिसिएशन उसको काफी हद तक सेट ऑफ कर देगा, तो दैट्स व्हाई गोल्ड काफी हद तक ये फ्राइडे तक ये रेंज बाउंड रहने का उम्मीद है। बिल्कुल किशोर, इस पे मेरा एक सवाल ये है कि क्योंकि एक शटडाउन अनाउंस किया गया है तो फ्राइडे को ऐसा भी हो सकता है नॉन फार्म पेरोल डेटा नहीं भी आए? या डेफिनेटली वो भी हो सकता है, बिकॉज जब भी कोई बीच में हॉलीडे आता है तभी नॉर्मली डेटा एक दिन से डिले हो जाता है, और जैसा ये एनीवे पहले ही अनाउंस कर दिया है कि क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री नंबर शायद वो नहीं ना दे पाएगा, शायद ये भी अगर प्रोलॉन्ग शटडाउन है अगले 3-4 दिन अगर शटडाउन हो जाता है तो प्रॉब्ली एनएफपी का नंबर फ्राइडे शायद नहीं आएगा, तो फिर भी मेरे हिसाब से जब तक ये एनएफपी नंबर नहीं देखा जाएगा और वहां पे कुछ बहुत ही ज्यादा फर्क, मतलब एटलीस्ट अगर 2-2.5 लाख नया जॉब्स क्रिएट हो गया या बहुत ही खराब नंबर आया, तब तक इसमें कोई मेजर मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ओके, तो रेंज बाउंड ही रह सकता है इस पूरे हफ्ते सोना भी। चांदी में किस तरह का नजरिया बनाना चाहिए? चांदी में ऊपरी लेवल्स पर बिकवाले की सलाह होगी क्या? नहीं, चांदी थोड़ा बहुत जो गोल्ड का जो प्रेशर है उसके सामने कॉपर का भी एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा था, तो आई थिंक ये दोनों के बीच में पुश एंड पुल फैक्टर की वजह से सिल्वर भी थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट सिल्वर का रेंज थोड़ा सा ज्यादा है, नीचे में 48,000 ऊपर में 51,000 का जो रेंज है, आई थिंक 3-4,000 रुपये का रेंज है, ये अब काफी हद तक बरकरार रहेगा, तो मैं फिलहाल के लिए इसमें मंदी में रहना पसंद करूंगा। 48,500 रहेगा लोअर साइड टारगेट। चांदी में भी बिकवाली की सलाह आपको दे रहे हैं। किशोर, जिस तरह से रुपए की आपने बात की कि रुपए में अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा था 62 के नीचे भी टच किए थे, क्या लग रहा है फिर डॉलर में एक नेगेटिव रुझान आता है तो फिर से स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी और 62 के नीचे का लेवल देखने को मिलेगा? 6180 बहुत क्रूशियल लेवल है, 6180 के नीचे अगर वीकली क्लोज जब तक नहीं आता है तो वहाँ पे वापस सपोर्ट पकड़ के थोड़ा सा उछाला आ सकता है। मेरे हिसाब से आई थिंक 6210, 6220 से लेके 6310 का जो रेंज है, आई थिंक अगले जब तक अगेन मैं करेंसी का भी काफ़ी हद तक एनएफपी नंबर पे ही एक डिपेंडेंसी फैक्टर है, तो और डोमेस्टिक में कुछ जैसा अपना कैट थोड़ा सा मजबूत होता जा रहा है और फंडामेंटल्स धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं और रुपी अप्रिसिएशन काफी हद तक हो चुका है, तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन बाकी है, पूरा 15-1 दिन के लिए कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद जैसा जैसा माइक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आएगा उस हिसाब से डायरेक्शन रहेगा। मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए 6180 का सपोर्ट लेके ये पेयर एक पुलबैक दे सकता है 6280-6283 तक। ओके, तो फिलहाल करेंसी पे व्यू है किशोर का, लेकिन चलिए बेस मेटल्स में अगर आप देखें तो आज गिरावट ही देखने को मिली, आई थिंक उस पर भी, लेकिन बेस मेटल भी अगर आप देखें कॉपर जैसे 460 के ऊपर ही अभी भी ट्रेड कर रहा है, एल्यूमिनियम भी उन्हीं लेवल्स के आसपास, लेड एक बार फिर से 130 रुपए के ऊपर है, निकल में भी अगर आप देखिए 875 के लेवल्स गिरावट आई है, लेकिन जिस तरह से कल हमने ट्रेड देखा था सेकंड हाफ ऑफ द डे में एक अच्छा बाउंस बैक आया था, उन लेवल से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जो किशोर बायसनेस है बेस मेटल्स में वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? आई थिंक हल्का सा पॉजिटिव ही है, चाइना का जो स्पेशली नंबर्स आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही आ रहे हैं और थोड़ा बहुत चाइना सुधरते जा रहे हैं स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मेरा मानना है कि हल्का सा पॉजिटिव बायस के साथ एक शॉर्ट टर्म रैली आ सकता है मोस्ट ऑफ द बेस मेटल्स में, और कॉपर का अगर बात करें तो 461 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग कर सकते हैं 467-468 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल कॉपर में आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं किशोर, इनफैक्ट बेस मेटल्स में थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट ही आगे देखने को मिलेगा, खरीदारी की राय इनफैक्ट लेट पर भी है। चलिए लेंगे एक ब्रेक, किशोर हमारे साथ बने रहेंगे, ब्रेक के बाद नजर होगी आखिरी कमोडिटीज पर।
वेलकम बैक। एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। आपको बताएं कि ग्वार में नई फसल की आवक शुरू हो गई है। कल श्रीगंगानगर में करीब 400 बोरी नए ग्वार की आवक हुई। आज भी वहां करीब 1300 बोरी नए ग्वार की आवक हो चुकी है। राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने से ग्वार की फसल को काफी फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में ग्वार में आज तेज गिरावट देखने को मिली है। कल भी आई थिंक 4% का निचला सर्किट ही देखने को मिला था और आज वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ग्वार सीड और ग्वार गम इनफैक्ट अब 16,000 के काफी करीब ग्वार गम और 6,000 के नीचे ग्वार सीड पहुंच चुकी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। फोकस एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स पर होगा। सोयाबीन और खाने के तेलों का आज जो है मार्केटिंग सीजन शुरू हो गया है और आज सोयाबीन वायदा में तेज गिरावट देखने को मिली है। NCDX पर इसका भाव करीब 1.5% तक गिर गया है। वही क्रूड पाम तेल और सोया तेल में भी भारी गिरावट पर कारोबार हो रहा है। आई थिंक स्ट्रांग रुपी का भी इस पर एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। किशोर, सोयाबीन में एक दबाव देखा जा रहा है, आज क्या करना चाहिए? आई थिंक जैसा इसलिए आपने बताया कि इसका हार्वेस्ट सीजन मार्केटिंग सीजन शुरू हो गया तो अराइवल्स थोड़ा सा एनीवे करीब करीब 1.5 लाख से 2 लाख टन बैग्स के आसपास के अराइवल्स महाराष्ट्र MP से आने शुरू हो गया। और मेरे हिसाब से क्रॉप का नंबर्स तो थोड़ा बहुत डिबेटेबल नंबर्स है फिलहाल के लिए। और पिछले जो एक हफ्ते से जो थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था उसका भी थोड़ा सा कंसर्न थे मार्केट में और एक पुलबैक रैली देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्ली इंट्राडे में एक 3460 के आसपास एक पुलबैक के लिए इसमें बाइंग कर सकते हैं सोयाबीन में। बट अदरवाइज पोजिशनली देखा जाएगा तो मेरे हिसाब से वापस 3300 या 3250 के आसपास तक पोजिशनली विद इन नेक्स्ट 10 डेज इसमें गिरावट देख सकते हैं। ओके, तो आपको इंट्राडे एक बाय की रणनीति एक बाउंस बैक के लिए प्ले करें, लेकिन पोजिशनली आपको 3320 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सीपीयू में अगर आप देखें तो तेज गिरावट आई है यहाँ पर। इनफैक्ट किशोर, सीपीयू में क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करें आज के दिन में या नहीं? नहीं, सीपीयू में ज्यादा कुछ बाउंस बैक दिख नहीं रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे और थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 1-2% डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल आपको डाउन साइड ही देखने को मिलेगा। और फिर सोया ऑयल इस बीच में किस तरह से रिएक्ट करेगा? क्या सोयाबीन की तरह एक बाउंस बैक आएगा, यहाँ पर फ्लैटिश रुझान रहेगा? नहीं, यहाँ पर सोया ऑयल में भी एक जो फंडामेंटल्स अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक इन्वेंट्री बहुत टाइट है और बहुत ही थिन पाइपलाइन है फिलहाल के लिए और ज्यादा कुछ डीगम अवेलेबल नहीं है। बट डोमेस्टिक मार्केट्स में एक ये है कि रुपी का काफ़ी असर रहता है सोया ऑयल पे और रुपी अप्रिसिएशन नॉर्मली इसमें एक नेगेटिव फैक्टर है। और अगेन डोमेस्टिक क्रशिंग सीजन जैसा शुरू हो जाएगा तो इसमें ऑयल इन्वेंट्रीज नॉर्मली बढ़ जाता है। बट शॉर्ट टर्म में अगर 1-2 दिन के लिए हिसाब से मेरे को थोड़ा सा पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लेवल से। बट अदरवाइज पोजिशनली देखा जाएगा अगर 15-20 दिन के आसपास का देन इसमें फर्दर मंदी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल दबाव ही बना रहेगा। सोया ऑयल पर एक कॉल है और इनफैक्ट सीपीओ में भी जिस तरह से किशोर ने कहा आगे आपको थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होता दिख सकता है। किशोर, शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। आगे लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस।